नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत कई दिनों से मादक पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। बुधवार को देहात पुलिस ने ब्राउन शुगर विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए एएसपी केकेएल बंजारे एवं एसडीओपी जेपी अग्रवाल, नवागत एसडीओपी भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। मुखबिर से मिली सूचना पर तिरंगा चौक पर तीन लोग ब्राउन शुगर रखकर बेचने की फिराक में थे, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को धर दबोचा। जब्त की गई ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा करते हुए कहा कि देहात थाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। 26 जून को नशा मुक्त दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते मादक पदार्थ विक्रेताओं पर बड़ी कार्यवाही की गई। ज्ञात हो कि शहर की युवा पीढ़ी लगातार नशे की गिरफ्त में आ रही है, जिसके चलते कई परिवार भी पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, यहां तक कि कई परिवार बेघर भी हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं और अभियानों में हमेशा देखने को मिल रहा है सफलता प्राप्त हो रही है। आज ब्राउन शुगर कितना पकड़ाया और कितने लोग पकड़ाए? सिवान पुलिस अधीक्षक को विदिशा द्वारा आज नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चला जा रहा है, उसके तहत आज सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ कुछ कुख्यात बदमाश है जो वहाँ गुना से ब्राउन शुगर लाके यहाँ बेचते हैं, जो नौजवान बिगाड़ रहे हैं नशे के प्रति, वो करता है। इस सूचना पर आज तिरंगा चौक पर वहाँ राहुल दिलीप ठाकुर ठाकुर सर, देखने में आता है कि हमेशा जो भी छोटी मोटी मछलियां होती हैं वो तो पकड़ाई जाती है, इन तक क्या ऊपर तक कोई हाथ अभी तक जानकारी मिली, पहुंच पाया आप? कुछ जानकारी मिली है, उस पर काम कर रहे हैं और आशा है कि धीरे धीरे जहाँ से माल आते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसी हमें सफलता मिली।